हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। दिल्ली में लापता बच्चों के लगातार बढ़ रहे आंकड़े किसी खौफ से कम नहीं, और इनकी खोजबीन के लिए विज्ञापन पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जी हां, दिल्ली पुलिस बच्चों की तलाश के लिए हर महीने विज्ञापन पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए लुटा रही है, लेकिन बच्चों को तलाश नहीं कर पा रही। देखिए दीपक बिष्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दौड़ती भागती दिल्ली, तरक्की पसंद दिल्ली, मुल्क की राजधानी दिल्ली। इस दिल्ली का ये तो एक तारुफ है, मगर उसी दिल्ली का एक दूसरा चेहरा भी है जिस पर गुनाह के धब्बे हैं और गम, अफसोस और आंसू भी नजर आते हैं। ऐसे इश्तेहारों से आपका वास्ता अक्सर पड़ता होगा, और इन इश्तेहारों में छपी इबारत जो भी पड़ता होगा उसका कलेजा कांप उठता हो। इससे पहले हम इन आंकड़ों में छिपी हकीकत बयां करें, जरा इन आंकड़ों का वो सच भी सुन लीजिए जिससे शायद आपका वास्ता कभी न पड़ता। बीते 4 सालों में 8,000 बच्चे गुमशुदा। इश्तेहारों से दिखता दिल्ली का खौफनाक चेहरा, आंकड़ों की आड़ में मुंह छुपाती दिल्ली पुलिस। मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि करीब हर साल जो बच्चे मिस होते हैं उनके बारे में जो है करीब 75% बच्चे उसी एक साल के अंदर वो रिकवर हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस देती है करोड़ों के विज्ञापन। एक विज्ञापन की कीमत 25,000 से 30,000। गुमशुदा होते बच्चों का तेजी से बढ़ता ग्राफ। मैं अकेले गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए, वहाँ पे बैठा रहे 4 बजे तक का। 4 बजे बाद में रिपोर्ट लिखी गई, उसके बाद में रात में 8 बजे वो सब लोग CEO गए, जो कुछ होते हैं अधिकारी लोग वो वहाँ पे आए, थोड़ा खेती बाड़ी देखा दुखी। उसके बाद में मेरे को थाने में बुलाते थे, ले जाते थे, वहाँ पे उन लोगों को उठाते थे, कार्रवाई करते थे अपनी। उसके बाद में मैं इधर आता था, उधर को छोड़ देते थे उन लोगों को। यही आज तक होता रहा। ये सब कुछ इसी दिल्ली में हो रहा है। आलम यह है कि देश की राजधानी में चारों तरफ गुनाह का स्याह अंधेरा फैलता जा रहा है। दिल्ली से बच्चे बेशुमार गायब हो रहे हैं। बच्चों की गुमशुदगी का ग्राफ तेज रफ्तार से ऊपर उठ रहा है, मगर दिल्ली पुलिस और उसके आला अफसर किसी के भी चेहरे पर कोई ऐसी शिकन नहीं जो उन लोगों को तनिक भी राहत दे सके जिनके घर से उनका चिराग कहीं गुम हो गया। ये तस्वीरें, ये पोस्टर्स, ये सुर्खियां सब की सब गवाह हैं दिल्ली की जो उस गुनाह की हमसाया है जिनके सामने आने के बाद हर घर डरने लगता है। बीते 4 सालों में दिल्ली की गलियों से 8,000 बच्चे लापता हो चुके हैं, और ये वो आंकड़ा है जो सरकारी फाइलों में दर्ज है। लेकिन कुछ तो ऐसे भी बदनसीब होंगे जिनके नाम सरकारी स्याही दर्ज नहीं हो सके। और रहा सवाल दिल्ली पुलिस का, तो उसकी बात ही निराली है। आंकड़ों की बाजीगरी से कैसे खुद की पीठ थपथपाई जाती है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। करीब 75% बच्चे उसी एक साल के अंदर वो रिकवर हो जाते हैं, बाकी विद ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम। अगर मैं 10 साल पहले का डाटा देखूं तो अबाउट 95% जो मिसिंग बच्चे हैं वो रिकवर हो चुके हैं, और इवन मोर। बाकी सारे बच्चे जो हैं या तो किसी कारणवश घर छोड़ के चले गए हैं, या वो रास्ता भूल गए हैं, या वेले हो गए हैं। तो उस तरीके से जो है क्राइम रिलेटेड इंसिडेंट्स मिसिंग में 2% के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक निजी संस्था के आंकड़े दिल्ली पुलिस और उसके बंदोबस्त पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे इस मैटर पे कुछ डाउटफुल लगता है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो केस रजिस्टर होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 केस रजिस्टर होते हैं, लेकिन हमारे पास रिकवरी सिर्फ 5 या 6 बच्चों की होती है। किसी भी गुनाह पर अपने गाल बजाने के लिए दिल्ली पुलिस ने करोड़ों खर्च करके इंतजाम तो पक्का कर रखा है। पता तो ये भी चला है कि जो इश्तेहार 25 से 30 हजार में छपते हैं उन पर दिल्ली पुलिस बेहिसाब खर्च करती है।
दिल्ली पुलिस शुरू में जब लड़की उठी थी तब दो चार बार वही आई थी, मेरे को बुलाते थे कहीं 10 बजे रात में, कहीं 8 बजे रात में। वहाँ पे मालूम में जाता था जब आरटीओ ऑफिस जाते थे तो उनको पता लगता था आरटीओ ऑफिस में अप्लीकेशन लगा के आया है, तो वहाँ पे बुलाते थे मेरे को, वहाँ पे पूछताछ करते थे, भाई अप्लीकेशन क्यों लगाया है, नेता नगरी क्यों कर रहा है, क्या मैं तो लड़की ढूंढ नहीं रहा हूँ, जा नेता नगरी से ढूंढवा ले लड़की, और आरटीओ ऑफिस में जाके उन लोगों से सी होते और लड़की ढूंढवा ले अपनी, ये करे है वो है, यही करवाते रहे सब। घरवाली जब वहाँ पे जाती थी कुआं थाने में तब वहाँ पे आईओ साहब जो सच्चो साहब होते हैं, एक दिन मेरी घरवाली को 500 रुपया दिखा रहे थे कि 500 रुपया लो घर को अपने जाओ और लड़की हम तुम्हारी ढूंढेंगे, ढूंढ रहा हूँ। लाखों करोड़ों खर्च होने के बावजूद इन जैसे हजारों माँ बाप की आंखों में आंसू है और होठों पर फरियाद। ये दिनेश है मगर फरियादी बनकर इन्होंने दिल्ली के भीतर हर उस अफसर की ड्योढ़ी पर सिर झुकाया जहां से इन्हें अपनी 2.5 साल की लापता बेटी के मिलने की आस मिली, मगर न तो इन्हें बेटी मिली न भरोसा। ये अकेले नहीं है, ऐसे अभागे माँ बाप की गिनती कम नहीं है जो दिल्ली पुलिस की लापरवाही और काहली को दिन रात बस कोस रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हर साल सबसे ज्यादा मासूम बच्चों के लापता होने के मामले दर्ज, हजारों पीड़ित परिवार आज भी टकटकी लगाए अपने लाडलों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न तो उन्हें उनके बच्चे मिल रहे हैं और न ही दिल्ली पुलिस से कोई भरोसा कि उनकी तलाश ठीक ढंग से की जा रही है। मिल रही है तो दुत्कार और फटका। राजधानी से लापता बच्चों के किस्से का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले मिसिंग बच्चों पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की बात पर गौर कीजिए, जो पूरे इत्मीनान से अपने पूरे अमले के साथ यहां एयर कंडीशन कमरे में बैठकर उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। मेजर फोकस एरिया वाज टू रीच आउट टू द कम्युनिटी इन व्हिचएवर पॉसिबल वे वी कुड, जो अपनी लापता औलादों की खातिर थानों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, जिनकी हिम्मत शायद जवाब दे चुकी है लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। As far as the missing children are concerned, हमने उसकी एनालिसिस करी हुई है। इनफैक्ट स्पेशल सीपी क्राइम आपको बता देंगे कि मेजोरिटी ऑफ देम कम बैक, so this is also an area of priority for us. हमारे जो children related schemes आपने देखा कितना focus तरीके से उस पर काम किया जा रहा है, operation मिलाप में many children have been restored by some proactive action by the Delhi police. कमाल करते हैं कमिश्नर साहब, हो सकता है कि आपका महकमा आंकड़े तलाशने में अव्वल हो लेकिन गुमशुदा की तलाश में वो फिसड्डी ही है। चलिए कमिश्नर साहब, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें, हो सकता है शायद आपको वो चेहरे याद आ जाएं जिनके माता पिता के आंसू आपके चौखट पर उधार रखे। ये दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके के रहने वाले दिनेश हैं, इनका नाम अनंत गुप्ता है और इन दोनों के बीच एक अजीब सा दर्द का रिश्ता है। अनंत गुप्ता का 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा कहां चला गया आज तक किसी को पता नहीं चला। साइंस का स्टूडेंट था और 3 पेपर उसके हो गए थे और 3 अभी रह ही गए थे, उसी के बीच में यह हादसा हो गया। दिनेश की 2.5 साल की बेटी 2 साल पहले 1 फरवरी को लापता है और ये लाचार बाप अपनी मासूम बिटिया के लिए पुलिस की गालियां और दर दर की ठोकर खाकर घूम रहा है।
शुरू में जब लड़की उठी थी तब दो चार बार वही आई थी, मेरे को बुलाते थे कहीं 10 बजे रात में, कहीं 8 बजे रात में। वहाँ पे मालूम में जाता था, जब RTO ऑफिस जाते थे तो उनको पता लगता था RTO ऑफिस में अप्लीकेशन लगा के आया है, तो वहाँ पे बुलाते थे मेरे को, वहाँ पे पूछताछ करते थे, भाई अप्लीकेशन क्यों लगाया है, नेता नगरी क्यों कर रहा है, क्या मैं तेरी लड़की ढूंढ नहीं रहा हूँ, जा नेता नगरी से ढूंढवा ले लड़की। बच्चा छोटा था तो कोई मालूम। दोनों के ही घर में एक जोड़ी आँखें हमेशा दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रहती है, पता नहीं कब उनकी उम्मीद उनकी औलाद की शक्ल में आकर दरवाजा खटखटा दे। जहाँ दिखवा रहे वहाँ आदमी कह रहा है कि तुम्हारा लड़का बंधन में है। अब बंधन में है, अब हमें तो ध्यान नहीं है कहाँ पर है, अब हमें आपको अरे लड़का आपका आएगा, अब कब आएगा कोई पता नहीं, शंका नहीं था। उसके बाद में लड़की आधा घंटा, बच्चे इनके भी लापता हुए और सुनवाई के लिए इन सभी ने भी थाने से लेकर अफसरों तक के न जाने कितने उलाहने और धक्के सहे हैं, मगर इनकी उम्मीद की हथेली ऐसे इश्तेहारों से अपनी गुमशुदा औलादों का एहसास टटोल ही लेती है। घर से खेलते खेलते अचानक गायब हुआ बच्चा माता पिता की नींद भी ले जाता है, और गलती से कभी आंख झपक जाती है तो गुमशुदा औलाद सपने में आती है, तो आंख खुलते ही एक नई उम्मीद जाग जाती है। लापता हुए मासूम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए या उनके साथ कुछ और हुआ, वो कहां हैं भी या नहीं, न पुलिस को खबर है न प्रशासन को। दर्द में डूबी ऐसी कहानियां सैकड़ों नहीं हजारों हैं, और आंकड़े इतने डरावने कि जो भी सुनता है सन्न रह जाता है। यहां तक कि सड़कों से उठे सवालों ने सियासी गलियारों तक को डरा दिया, लेकिन पुलिस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो बच्चे दिल्ली की गलियों से लापता हुए उनकी गिनती ने संसद के गलियारों तक को झकझोर कर रख दिया, और सवालों में आ गई दिल्ली पुलिस। राज्यसभा में बकायदा बताया गया कि 4 सालों में दिल्ली से 27,356 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 19,596 बच्चे बरामद भी कर लिए गए, लेकिन 8,000 बच्चे अभी भी लापता रहे। तो ये बच्चे गए कहां? दिल्ली पुलिस के काबिल अफसर बड़े ही शातिर तरीके से इन आंकड़ों से बाजीगरी करते हैं। पुलिस अफसर भले ही अपने गाल बजाकर अपने अफसर की शाबाशी बटोर लें, लेकिन उन सवालों से नहीं बच सकते जो गुमशुदा बच्चों के बारे में अक्सर दिल्ली की सड़कों पर उठ खड़े होते हैं, खास तौर पर जब बात आती है मानव तस्करी की। गुमशुदा बच्चों के गायब होने की तस्वीर दिल्ली में भयानक हो चुकी है, और इस सबके पीछे एक बड़ा कारण है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लेकिन दिल्ली पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में अब तक नाकाम हुई है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में गायब हुए बच्चों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यह वो सच है जिससे दिल्ली पुलिस भी इनकार करने से बचती है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस इस सच से अक्सर मुंह छिपाकर बच निकलती है। लेकिन इस बात का इल्म है उसे कि राजधानी में ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो बच्चों को अगवा करके उनकी तस्करी भी करते हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं उन मासूम बच्चों की, जिन्हें मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया था, जो इस बात का अंदाजा देने के लिए काफी है कि कैसे कानून की आंखों में धूल झोंकी जाती है। साल 2018 में नवंबर तक 6,053 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने खुद दर्ज की थी। इनमें से 3,706 बच्चे मिल गए, जबकि 2,347 बच्चों को पुलिस अभी तक तलाश नहीं पाई है। ये बात तो राज्यसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है कि दिल्ली से साल 2015 में 7,928, 2016 में 6,921, 2017 में 6,454 बच्चे लापता हुए थे। हालांकि उनमें से साल 2015 में 6,390, 2016 में 5,109 और 2017 में 4,391 बच्चे मिल भी गए। ये आंकड़ों की बाजीगरी है, या यूं भी कहा जा सकता है कि पुलिस का अपनी खाल बचाने का तरीका।
कि ये बच्चे जो मिसिंग और रन अवे हो रहे हैं, इसमें जो 50-60% बच्चे रिकवर हो रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उसका क्या रिकॉर्ड है? और ये बहुत ही भयावह सिचुएशन है, आने वाले टाइम में ये संख्या और बढ़ सकती है। क्या दिल्ली पुलिस के पास उन बच्चों के बारे में कोई जवाब है जिनके माता पिता बस यूं ही ऐसे ही किसी पोस्टर में अपनी उम्मीदों को तलाशते नजर आते हैं?